एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक तहसील सदर के सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी पर लगे अधिकारी बाढ़ खंड सिंचाई विभाग के एई जेई और सभी संबंधित अधिकारी के साथ बैठक की गई और बाढ़ प्रभावित गाँवों में तटबंधों रेगुलेटर की स्थिति का अवलोकन किया गया। बाढ़ राहत चौकी, राशन वितरण की व्यवस्था, पशु चारे की व्यवस्था, बाढ़ आश्रय स्थल, राशन वितरण की सूची और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लोरीन की गोलियों को समय से बाढ़ प्रभावित लोगों को पहुंचाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम सदर ने कहा कि सभी कर्मचारियों को शासन के द्वारा निर्देशों का पालन करने के लिए बताया गया। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण किया जा रहा है और सभी लेखपालों और कानूनगो को अलर्ट पर रहकर गाँव में बाढ़ की स्थिति को अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कहा गया है। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों तथा बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया गया है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कुछ नहीं है। इधर राजघाट खुले सर, हम लोग कल या परसों प्रधान जी करवा लेते हैं जी जी। नहीं अभी सर, साथ में बस गांव देख रहा है सर, आप भी बोल दीजिएगा, मैंने बोला है वो अपना आके यहाँ पे बांट देंगे। हाँ सर, हम लोग क्या कल या परसों प्रधान जी करवा लेते हैं जी जी। नहीं अभी सर, साथ में बस गांव देख रहा है सर, बोल दीजिएगा, मैंने बोला है वो अपना आके यहाँ पे बांट देंगे। वहाँ पर इलाहाबाद में दूरी पड़ जाएगी, खावट मात्र ये जगह है
उसके बाद कहना निजी पता चबा निजी पता चबा लेते सीट लगे उनकी तो भैया मेरा तो बढ़ते नहीं आओ तो तीन बजे नहीं जाना नहीं आप ना मुझको उनका उसको सांप काट लिया होता तो बचपन करते कितना तेरी मौत है। तो ये दो बार नाव लगाई थी ना आपने? अरे सर कभी निकलवाया सर अभी दो दिन हुआ है। दस लोग आते जाते डेंगू ना थी सर डेंगू डर था डूबने का नहीं चला है। आज समस्त लेखपाल कानून को और सिंचाई विभाग के एई और जेई सबकी बैठक की गई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बंदे की स्थिति तटबंधों की स्थिति विभिन्न रेगुलेटर्स की स्थिति और गाँव की पानी और जल भराव की स्थिति किस तरीके की है उसी संदर्भ में बैठक की गई। गाँव में बाढ़ राहत चौकी बाढ़ आश्रय स्थल पशु चारे की व्यवस्था राशन वितरण के लिए सूची एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लोरीन की गोलियां जो पेयजल को वो बनाती हैं उसके संदर्भ में मीटिंग की गई। सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशों का 100% पालन अनिवार्य है। जिस प्रकार से बाढ़ राहत के लिए जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं जिस तरीके से एक प्रक्रिया होती है उन सभी के तहत राशन वितरण करना है और राशन वितरण किया भी जा रहा है। आज राजपुर दूबी सौरा और अतरौलिया संवरामल तीन चार गांवों में हम राशन वितरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नौसड़ भवापार सर्किल में भी दो तीन गांव में राशन वितरण किया जा रहा है। नावों की पूरी व्यवस्था हो गई है। आज मैंने भी कई गांव का दौरा किया। तहसीलदार नायब तहसीलदार ये पूरे लोग अभी भी विजिट में हैं अभी भ्रमण में हैं तो भ्रमणशील रहकर क्योंकि बाढ़ की स्थिति को आकलन कर किया नहीं जा सकता। सुबह की स्थिति हो सकता है शाम को और खतरनाक हो जाए तो इसी के संदर्भ में हमने लेखपाल कानूनगो को बताया कि 24 घंटे आप गांव में रहिए मुस्तैद रहिए किसी भी प्रकार की घटना होती है उसकी तुरंत सूचना दें। कोई बाढ़ तटबंध कोई बांध की स्थिति बंदे की स्थिति कैसी है उसकी तुरंत सूचना दें। सिंचाई विभाग के साथ मिलकर काम करना है और सभी को किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए बाढ़ राहत चौकी और बाढ़ आश्रय स्थल को 24 घंटे सुचारू रखना है। और राशन वितरण जो कि यथासंभव परिवार हैं जो पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ आपदा से पीड़ित हैं उन सबको तुरंत दिया जाए। और तहसील सदर की पूरी टीम लगी हुई है लेखपाल कानूनगों के साथ साथ राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार तहसीलदार मेरे स्वयं के द्वारा बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमणशील होकर दौरा किया जा रहा है और जो भी आपदा आएगी उसका हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।